मधुमक्खी बनाया गया। देखिए यहाँ पे चारों तरफ बहुत भीड़ है, काफी अच्छा लग रहा है। हम बैक कैमरा से दिखा रहे हैं, इस साइड से देखिए सब झूला के लिए है, बच्चे लोग खेलने के लिए। चलिए हम दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आदित्यपुर पंडाल देखने आए हैं, मलकन सिंह का जो पंडाल है। तो अभी हम लोग पैदल तक पैदल आ रहे हैं और अंदर तक गाड़ी अलाउ नहीं है, हर जगह पुलिस भी खड़े हैं और गाड़ी भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पैदल आ रहे हैं। ये देखिए मम्मी है, रूम्पा है, बाबू है, तो इधर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से तो कम से कम 2-5 मिनट लगेगा चलने में। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग आदित्यपुर आए हैं, मलकन सिंह जो पंडाल बनाता है, इस बार जो पंडाल बनाया है बुद्ध टेम्पल, काफ़ी अच्छा बनाया है, छोटा सा बनाया है। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग लाइन से ही जा रहे हैं, काफ़ी लंबा लाइन है। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखते रहिए। देखिए दोस्तों हम और पापा अभी लाइन लगे हैं, हम लोग पंडाल देखने जा रहे हैं। बहुत लंबा लाइन ना पापा, हैं कत लंबा लाइन है जो बहुत कैसे ना पसंद है। तो देख सकते हैं आप बहुत लंबा लाइन है। तो बस हम लोग मेन गेट पहुंच गए और थोड़ा सा लगेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, हम बैक कैमरा से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों अच्छा बनाया है, इधर देखिए, इधर से दिख रहा है, देखिए इधर से आपको लाइन से ही देखना पड़ेगा।
रास्ता भी हम लोग हम पहुंच गए, लेकिन काफी लंबा लाइन है, तो इधर से हम लोग जा रहे हैं। लाइन से हम लोग को देखना पड़ेगा क्योंकि इस बार थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया है, हर जगह पुलिस दिया हुआ है, लाइन लगा हुआ है। और इधर देखिए रूम्पा भी आई है, माँ भी आई है। चलिए हम दिखाते हैं, बैक कैमरा से पूरा दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया आदित्यपुर का मालखान सिंह का जो पंडाल, ये पंडाल है बुद्ध टेम्पल, काफी अच्छा लग रहा है, छोटा सा बना है। बुद्ध टेम्पल है, काफी अच्छा लग रहा है। देखिए तो मलखन सिंह का पंडाल है, काफी अच्छा बनाया, इसमें छोटा सा बना है लेकिन अच्छा ही बना है, अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं इधर काफी भीड़ है, सब लाइन से आ रहा है। चलिए हम छोटा सा चिड़िया है का सबसे बड़ा पंडाल यही बनता है आदित्यपुर में। तो देखिए यहाँ इस बार थोड़ा सा छोटा बना, तो चलिए आपको देखते रहिए।